और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग में फैक्ट्री के कई कर्मचारी झुलस गए हैं। बताया जा रहा है जिस वक्त की आग लगी थी, कई कर्मचारी उस वक्त वहां पर फैक्ट्री में मौजूद थे। कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में ये आग लगी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाई। आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है। छपरौला NH 91 बादलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन देखिए आग कितनी भयानक यहाँ पर लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची है। आसपास के इलाकों को भी खाली करा दिया गया है, क्योंकि जिस चीज को लेकर के यहाँ पर आग लगी है, संभावना ये है कि आग बहुत तेजी से फैल सकती है। हर तरफ आपको नजर आएगा आग बहुत तेजी से फैल चुकी है। छपरौला NH 91 बादलपुर के ग्रेटर नोएडा की ये घटना, और ग्रेटर नोएडा के फैक्ट्री में ये आग लगी है। लेकिन मुश्किल और परेशानी की बात यह है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी है, बताया जा रहा है कि कई कर्मचारी उस वक्त अंदर फैक्ट्री के मौजूद थे। ग्रेटर नोएडा की ये फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर भयानक आग लग गई और फैक्ट्री के कई कर्मचारी झुलस गए हैं। कूलर की घास बनाने वाली ये फैक्ट्री बताई जा रही है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी तेजी से फैली होगी। तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जो आसपास की और भी फैक्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उन्हें जल्द से जल्द खाली करवाने के आदेश तुरंत ही दे दिए गए, क्योंकि ये डर था कि आग बहुत तेजी से फैल रही है, कहीं वो भी इसकी चपेट में ना आ जाए। लेकिन सबसे दुखद यही है कि जिस वक्त इस फैक्ट्री में आग लगी है, कई कर्मचारी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। हालांकि जब आग पर काबू पा लिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। फिलहाल जितने भी घायल अभी निकाले गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए, उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है।